मैं सभी को अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। आज होली समारोह के शुभ अवसर पर मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि होली जो है वो रंगों का त्यौहार है, तो हम लोग इसे जो है ये हर मतलब साल में एक बार आती है, तो इसे हमें अच्छे से मनाना चाहिए और खुशी से मनाना चाहिए। या ना कि ये नहीं कि किसी के मतलब पीठ पीछे बुराई करे और गाल पे अबीर लगाए कलर लगाए, ये गलत है। हम लोग को अपनी बुराइयों को छोड़ करके रंग का जो है सातों रंग कितना सुंदर होता है, इस रंग भरी दुनिया में अपने आप को अच्छा बनाना है। और इस त्यौहार में हमें अपने एक भाई बहन और एक अच्छे संबंधी के रूप में इस होली को मनाएं। और शिखा दीदी ने हमें बहुत सारी बातें बताई कि परमात्मा के रंग में हमें रंगना है, ना कि ये दुनिया वाले के रंग में रंगना है कि किसका बुराई कर रहे, किसका भलाई कर रहे, किसका किसके पीछे उनका बुराई कर रहे हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। रंग का मतलब है कि मन को शांति, शुद्ध, समृद्ध और शांत भाव से इस त्यौहार को मनाना चाहिए। और चूंकि सनातन धर्म में ये जो है होली का पर्व बहुत पवित्र माना गया है, और होली का ही जो है वो हम लोग नया साल मनाते हैं। होली आता है तो हम लोग कहते हैं हम लोग का नया साल आया, तो इस प्रकार से हम लोग का नया साल होली में स्टार्ट होता है। तो सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अपनी बातों सभी को ये बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी को। अब अनिल भाई जिसे हम सुनेंगे, जो हमारे ब्रह्म कुमारी रीना बहन जी जो आपके सेवा में निरंतर हैं, और रीना बहन का प्रयास आप सभी के बीच में रंग ला रहा है। वो 20 साल लगातार हमें लग रहा है कि पिछले 20 सालों से तपस्या कर रही हैं, और उनका तपस्या फलीभूत हो गया। माउंट हाउस दीदी बुला ली है, तो एक बार ताली बजा दीजिए रीना बहन जी। आप रीना बहन जी को साधारण बात ना समझे, सफेद वस्त्रधारी बाल ब्रह्मचारिणी जो है ब्रह्मा कुमारी बहन जी हैं, तो आप सभी के लिए इतना प्रयासरत है, सेवारत है, इसलिए वो भी आपके लिए होली के लिए अवसर पे जो शुभकामना शुभकामना देंगे। ओम शांति। लेकिन होली का जो त्योहार होता है वो क्या है, सब जो भी गलत विचार भावनाएं लड़ाई झगड़ा उसको खत्म करने का ये होली है, इसलिए सब लोग क्या करते हैं आपस में गले मिलते हैं। माउंट आबू से दीदी हम लोग के बीच में आए हैं, इसलिए उसको भी तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। योगाचार्य जिला परिषद प्रीति बहन भी एक बार फोन किए, हम सोचे एक बार कॉल कर लेते हैं क्योंकि पहले से आपस में बात होता था ऐसे ही, पर बन गए इतना कम एज में सेवा के लिए बाबा चुने हैं, तो रामदेव भैया हैं भाई जी, वो रांची में सेवा करते रहते हैं, वो सबको उमंग उत्साह भरते रहते हैं ताकि बाबा का ज्ञान सबको मिल सके। इसलिए मैं होली में यही चाहती हूँ कि जितना हो सके अपने आप को उमंग उत्साह में रखना है और बाबा का याद में रहना, यही मेरा शुभ भावना शुभकामना। अनिल भाई जी से भी इस होली के अवसर पे हम विचार सुनेंगे। ओम शांति। अनिल भाई जी के लिए ताली भी बजाइए। ओम शांति। सबसे पहले तो सभी दीदी ने भैया ने सभी ने बता दिया कि हम लोगों को होली में क्या करना है, अंदर से जो हमारी बुराई है उसे मिटाना है और जो अच्छाई है उसे मुझे लाना है। तो अच्छे क्या क्या चीज है सभी लोगों को मालूम है, हमारे अंदर जो आत्मा है ना वो कहती है कि ये बुरा है और ये अच्छा है, बुरा है लेकिन हम जान करके भी उस बुरे को करते हैं, और जो अच्छा है उसे जान करके भी हम लोग नहीं करते। बहुत लोग जानते हैं कि ये ब्रह्म कुमारी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बहुत लोग अरे इग्नोर करते, अरे छोड़ो हटाओ क्या करना है, अभी हमारे बहुत सारे काम है, हम कहेंगे कि योग कर लो, बोला योग के लिए समय नहीं है हमारे पास, हम तो फलाना जगह जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को क्या सेलेक्ट करना है और क्या करना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात, हम खुश रहना चाहते, क्या रहना चाहते, खुश रहना चाहते। जब हम खुश रहेंगे तो हमारे
सिर के अंदर, आप लोग को पता भी नहीं होगा, हमारा एक पिनियल ग्रंथि होता है जिसको हम त्रिनेत्र बोलते हैं। हमारे शंकर भगवान को त्रिनेत्र इसलिए बोला जाता था कि सिर्फ एक पाइन संकुल के बराबर, जैसे पाइनएप्पल होते हैं ना, वैसा आकार का हमारा पिनियल ग्रंथि होता है। दोनों सिर के बीच में बीचों बीच वो स्थित होता है वो ग्रंथि, और उस ग्रंथि का काम होता है मेलाटोनिन हार्मोन्स को छोड़ने का। और वो हार्मोन जब हमारे शरीर में जब उसकी बढ़ोतरी होती है तो हमारा उत्साह, उमंग सब कुछ बढ़ जाता है, और वो जैसे ही घटता है हमारे शरीर में चिंता, तनाव, डिप्रेशन, इस तरह की तमाम सारी बीमारियां हमारे घर कर जाती। तो हम लोग को ये संकल्प करना है कि हम लोग जितनी भी बुरे चीज है उसको छोड़ेंगे, क्योंकि अगर उसे मैं लेकर के चलूंगा तो कभी मैं खुश नहीं रह सकता हूं, और अच्छी चीजों को लेकर के चलूंगा तो क्या खुश रह सकता हूं। तो खुशी के लिए हम लोग बुरे चीजों का त्याग करें। दीदी ने बहुत अच्छी चीज बोली, जितनी भी बुराई बची पांच घंटे डाले, फिर नोच करके फिर डाले, फिर बच गया तो फिर नोच के डाले। कहने का मतलब है कि बुराई की तो कभी कमी होती ही नहीं है, तो सारी बुराइयों को आपने स्वाहा कर देना है और अच्छी चीजों को प्रज्वलित करना है मन में, आत्मा में, क्योंकि आत्मा में ही हमारे परमात्मा बसते हैं, और उस परमात्मा का ही पूजा कीजिए। इस पांच तत्व से बना हुआ शरीर ही हमारा ब्रह्मांड है, और इसी ब्रह्मांड में वो परमात्मा वास करते हैं। जब हमारा ये शरीर समझिए कि बेकार हो जाता है, किडनी, हार्ट, लिवर सब बेकार हो जाते हैं, तो परमात्मा भी बोलते हैं ऐसे गंदे घर में मैं नहीं निवास करूंगा, और वो परमात्मा निकल जाता। आत्मा कभी मरती नहीं, वही परमात्मा है। तो इस शरीर को भी स्वस्थ रखेंगे ताकि परमात्मा मेरे हृदय में हमेशा बसते रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। निकालना है और आत्मा को शुद्ध करके परमात्मा से मिलाना है, क्योंकि हम सभी आत्मा है, वो है परमात्मा, इसलिए एक नाम उनका ऊपर वाला है। तो हम नीचे वाले हुए, वो ऊपर वाले हुए, तो ऊपर नीचे वाले को कनेक्शन ऊपर वाले से हो जाए, उसके लिए शुद्धिकरण चाहिए। और सबसे अच्छा त्योहार क्या है? होली। होली मतलब पवित्र बनो, राजयोगी बनो, ये ब्रह्मा कुमारी इसका क्या है श्लोक है। तो बहुत सुंदर जो है, अनिल भाई जी को बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, इतना सुंदर विचार रखे। अब आप सभी एकत्र करके आइए, दीदी से थोड़ा सा तिलक अनुभव कीजिए कि भगवान बाप दादा वतन से आकर के हमें मेरे साथ होली खेल रहे हैं। बाबा हमें अपने हस्तों से ज्ञान के रंग में रंगने के लिए, योग के रंग में, ज्ञान गुण और शक्तियों में रंगने के लिए बाबा जो है हमें तिलक लगा रहे हैं, होली का विशेष जो तिलक लगा रहे हैं, है ना। तो चलिए हम सभी दो मिनट और समय लेंगे, हमारे जो है विशेष अतिथि जो है उनको उनको जो है सम्मानित हम सभी करेंगे। पहले कुछ थोड़ा सा बाबा का मैगजीन दे करके। ओम शांति। रंग जब से चढ़ा मुझे तब प्यार का, रंग जब से चढ़ा मुझे तब प्यार का, हम तेरे हो गए देखते देखते, तेरी लगन जो भी गाए मन चुके प्यार।
सच्चा भाई लगता है।
आगे जाइए।